एक कहावत सुनी होगी आपने, चोर चोर मौसेरे भाई। जिन कांग्रेस को गाली दे देकर 15 साल की सत्ता से हटाया था अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं। अब तो बच्चों की कसम भी याद आ रही है कि किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। जनता जाए भाड़ में, जनता की गलियां टूटे, पानी जल जमाव हो, प्रदूषण हो, जनता दर दर की ठोकरें खाए दिल्ली की, उससे कोई मतलब नहीं। कुछ नेताओं के जुड़ने से जनता नहीं जुड़ा करती। एक कहावत सुनी होगी आपने, चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की निराशा शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हताश हैं। जिन कांग्रेस को गाली दे देकर 15 साल की सत्ता से हटाया था अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं। तो इनका चरित्र अब समझ में आ रहा है। असल में ये लोग अपने ठाट बाट में रहने के आदी हैं। यही कारण है कि करोड़ों की लागत से, जनता के करोड़ों रुपए से शीश महल बनाना, राजमहल बनाना, जेट सिक्योरिटी लेकर सुपर वीवीआईपी की तरह जिंदगी काटना, यही उद्देश्य था शायद इनका। अब वो मिल रहा है। जनता जाए भाड़ में, जनता की गलियां टूटे, पानी जल जमाव हो, प्रदूषण हो, जनता दर दर की ठोकरें खाए दिल्ली की, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इनको शायद याद नहीं है कि कुछ नेताओं के जुड़ने से जनता नहीं जुड़ा करती। उनके दिल में तो वो है जिसने जो कहा है वो किया है। भारतीय जनता पार्टी सबके दिलों में है, नरेंद्र मोदी जी सबके दिलों में है। और हां, अब तो बच्चों की कसम भी याद आ रही है कि किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे।